दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था? और क्या आपको पता है दुनिया में कैसा भी बुक है जिसे पढ़ने के बाद आपकी मौत हो सकती है? और हम आपको कैसे बीमारी के बारे में बताएंगे जिसमें कटने के बाद ब्लड ही नहीं रुकता? तो भाई, ये वीडियो पहले वाले वीडियो से काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इस वीडियो पे एंड तक बने रहना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 20, अगर कटने के बाद कई घंटों तक खून बहता रहे तो समझ जाना कि हीमोफीलिया हो गई है, क्योंकि हीमोफीलिया से पीड़ित लोगों में रक्त को थक्का जमाने वाला कारक पर्याप्त नहीं होता, इसलिए उन्हें सर्जरी या चोट के बाद खून के बहाव को रोकने में अधिक समय लगता है। नंबर 19, दोस्तों, आमतौर पर इंसान 1 मिनट में तकरीबन 15 बार पलके झपकाता है, वही शिशु 1 मिनट में केवल 1 या 2 बार पलके झपकाते हैं। वैसे आप 1 मिनट में कितनी बार पलके झपकाते हैं कमेंट में जरूर बताना। नंबर 18, जब भी आप केले को मार्केट से खरीद कर घर पर लाकर रखते हैं तो आपको केले के ऊपर वाले हिस्से में प्लास्टिक लगा देना है, जिसकी वजह से हवा इसके अंदर तक नहीं जा पाएगी और वह केले बहुत समय तक खराब नहीं होंगे। नंबर 17, रात के वक्त मीठी चीजें खाने से बचना चाहिए, मीठी चीजें शुगर और कोलेस्ट्रॉल दोनों को बढ़ा सकते हैं, इसी वजह से रात में चाय कॉफी से दूर रहने की सलाह दी जाती है। रात के वक्त हलवा मिठाई या कोल्ड ड्रिंक पीने से भी हार्ट को नुकसान पहुंच सकता है। नंबर 16, पिस्ता में विटामिन B6 नामक प्रोटीन होता है जो खून में ऑक्सीजन ले जाता है, यदि प्रतिदिन इसे खाया जाए तो रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। नंबर 15, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मछली खाना काफी ज्यादा पसंद होता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं दुनिया की सबसे महंगी मछली अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली ब्लूफिन टूना है। इस मछली की प्राइस बाजार में लाखों रुपए तक जाती है, हालांकि विलुप्त प्रजाति होने के कारण कई देशों में इसे बैन किया गया है। नंबर 14, अगर आप रोज सुबह खाली पेट गाजर के जूस में नमक मिलाकर पियेंगे तो आपकी आंखों की कम हुई रोशनी वापस लौट आएगी। नंबर 13, 120 रुपए का थर्मामीटर करोड़ों के हवाई जहाज को क्रैश कर सकता है, क्योंकि थर्मामीटर में मरकरी होता है जो एल्युमिनियम का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। पारा की एक बूंद कई टन वजन वाले एल्युमिनियम को खत्म कर सकता है। नंबर 12, दोस्तों, माउंट एवरेस्ट धरती की सतह से करीब 9 किलोमीटर ऊंचा है, लेकिन आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा धरती के नीचे 125 किलोमीटर तक है। नंबर 11, दोस्तों, लार ग्रंथियां प्रतिदिन लगभग 1 से 2 लीटर लार का उत्पादन करती है, यदि आपने 1 साल तक अपनी लार एकत्र की तो उससे 1 बाथटब भर सकते हैं। नंबर 10, अगर आप किताब पढ़कर अमीर होना चाहते हैं तो आपको बता दें, नीलावंती ग्रंथ एक ऐसी किताब है जिसे पूरा पढ़ने से या तो आपकी मौत हो जाएगी या फिर आप बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे, लेकिन इस किताब को भारत सरकार द्वारा 1990 में बैन कर दिया गया। नंबर 9, मैथ के सवाल को सोल्व करते समय बराबर के चिन्ह का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, लेकिन आपको शायद ही पता होगा बराबर के चिन्ह का आविष्कार 1557 में हुआ था, जब वेल्स के गणितज्ञ रॉबर्ट रिकॉर्ड बार बार इक्वल टू लिखने से थक गए थे। नंबर 8, एक स्टडी के अनुसार पता चला है कि जब तक बच्चे 1 महीने के नहीं हो जाते तब तक वे आंसू नहीं बहाते हैं। नंबर 7, आज के जमाने में किसी भी काम को सीखने के लिए YouTube का सबसे अधिक सहारा लिया जा रहा है, ऐसे में आपको बता दें कि YouTube पर सबसे अधिक सर्च किया जाने वाला शब्द हाउ टू किस है। नंबर 6, साइकोलॉजी के अनुसार जिन लड़कियों का IQ लेवल ज्यादा होता है उनको लाइफ पार्टनर खोजने में ज्यादा परेशानी होती है। नंबर 5, दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे भी कीड़े हैं जिन्हें भोजन ना मिलने पर वो खुद को ही खा जाते हैं। नंबर 4, अगर आपको लगता है कि फोन को कोई हैक नहीं कर सकता तो आप गलत हैं। चाइना में हर साल एक कंपटीशन होता है जिसमें कई अलग अलग हैकर्स अपने स्किल्स को दिखाते हैं, और एक हैकर ने सिर्फ 15 सेकंड के अंदर आईफोन को हैक कर दिया। नंबर 3, स्पीड गन के अलावा हॉकआई नाम के डिवाइस का भी इस्तेमाल गेंद की स्पीड मापने के लिए किया जाता है। नंबर 2, आपको जानकर हैरानी होगी, ऑस्ट्रेलिया में हर साल लोग सांपों से ज्यादा मधुमक्खियों द्वारा काटे जाने से मर जाते हैं। नंबर 1, दोस्तों, हिमालय पर्वत हर किसी का मन मोह लेता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था? आपको बता दें, जहाँ आज हिमालय है वहाँ कभी टेथिस नाम का सागर लहराता था जो अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड नाम के 2 भूखंडों से घिरा था। लाखों वर्षों इन दोनों भूखंडों का अपरदन होता रहा और अपरदित पदार्थ मिट्टी कंकड़ बजरी आदि टेथिस सागर में जमा होने लगे। ये 2 विशाल भूखंड एक दूसरे की ओर खिसकते भी रहे। 2 विरोधी दिशाओं में पड़ने वाले दबाव के कारण सागर में जमी मिट्टी आदि के परतों में मोड़ पड़ने लगे और ये जमी मिट्टी द्वीपों की श्रृंखला के रूप में पानी की सतह से पर आ गए। ये क्रिया निरंतर चलती रही और एक विशाल पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ जिन्हें आज हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं।